जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन हमारे पास तीन स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में थे। पहला था REC, दूसरा था हेवल्स और तीसरा था बजाज ऑटो, जिसमें से हेवल्स और REC ने अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। और हेवल्स तो हमारे काफ़ी दिनों से वॉच लिस्ट में है, इस पर अच्छे तरीके से नज़र रखना, क्लोजली वॉच करना, क्योंकि ये बहुत जल्द अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना है हमें। तो इसलिए इस स्टॉक पर तो आप खास तौर पर ज़रूर ध्यान देना। और दोस्तों, बजाज ऑटो ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था आज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 2910-11 के समथिंग पे बाई करना है। ये लगभग 2960 तक गया है, तो इसने लगभग 50 पॉइंट की मूव दी थी। और दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 50 पॉइंट में से 20-25 पॉइंट भी कैप्चर नहीं किए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप फिर से ये जो डेटा की हेल्प वाली जो सीरीज है दो पार्ट की, एक तो एक वीडियो, ये दोनों वीडियो मतलब कि आप देख लीजिए, साथ में ये वॉल्यूम का पावर, इनको देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस समय हमें बाय करना है और किस समय सेल करना है, आपको एंट्री कब लेनी है, यह थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों सोमवार के लिए तीन स्टॉक हो गए हैं। पहला है REC, दूसरा है हेवल्स। इन दोनों के टारगेट प्राइस मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, तो इनका पहले के वीडियो देख लेना, तो आपको पता हो जाएगा कब बाय करना है, कब सेल करना है। और तीसरा स्टॉक है दोस्तों हमारे पास LNT। सोमवार की वॉच लिस्ट में हमारे पास एक LNT, ये टोटल हमारे पास तीन स्टॉक रहेंगे। LNT को आपको बाय करना है 954 के जैसे ही ऊपर जाए, और सेल करना है आपको 936 के जैसे ही नीचे आए, है ना। किस तरीके से ट्रेड लेना है ये मैंने आपको, ये तीनों वीडियो जो आप वॉल्यूम वाले और इनको देखोगे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि इस तरीके से ट्रेड लेना है। आप इन तीनों वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आसानी से आप एंट्री ले सकते हो। ये वीडियो जैसे समझोगे तो लगभग 80% आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ट्रेड लेना है। बाकी क्लोजली वॉच करोगे तो आपको 100% क्लियरली पता चल जाएगा। हमारे पास सोमवार के लिए टोटल तीन स्टॉक हो गए, तो इन पर अच्छे से नज़र रखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।